मैं तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि अब ठीक ठाक होंगे आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो जिसको देखने के बाद आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई फ्रीजी और झाड़ू जैसे नहीं रहेंगे ये मास्क मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ही इफ़ेक्टिव है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ना ही कोई महंगी चीज़ें इसमें ऐड होनी है ये घर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये उन्हीं से बनाया जाता है और मैं आप लोगों के साथ आज वही शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के बाल भी हो जाए सिल्की स्ट्रेट और स्मूथ जैसा कि आप लोगों को पता है कि औरत की औरत की क्या हर किसी की खूबसूरती जो होती है उसके बालों से होती है बाल खूबसूरत ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई तो इस वजह से मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग अपनी स्किन अपने बाल अपने हाथ पाँव की बहुत केयर किया करें और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरी वीडियो का लाइक कर दें क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो हमारा तो कोई बनाने का फ़ायदा ही नहीं है ना मतलब आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग ही लाइक नहीं करते बिना देखे चले जाते हैं तो ये तो कोई बात ना हुई ना रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही अगेन रिक्वेस्ट करने लगी हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें मैं न्यू यूट्यूबर हूँ तो मुझे प्रमोट होने के लिए आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है और आप लोग ही मुझे प्रमोट करेंगे इनशाला नेक्स्ट भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाया करूँगी तो हम रेमेडी अपनी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनग्रीडियंट्स बता देती हूँ सॉरी मुझे वो हो रहा था तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं हमें चाहिए राइप बनाना सही है बिल्कुल राइप होना चाहिए आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं राय बनाना मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक बनाना लूँगी सिर्फ मुझे एक बनाना चाहिए बिल्कुल राइप होना चाहिए उसके अलावा हमें चाहिए होगा हनी हनी आपके बालों को बहुत बहुत ही स्मूथ करता है और बहुत ही शाइनिंग करता है उसके अलावा हमें चाहिए कोकोनट ऑयल ये हमने खुद निकलवाया है इस वजह से मैंने ये इसमें डाला हुआ है और ये मुझे बहुत पसंद है इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है उसके अलावा आपके पास जो भी है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन होना कोकोनट ऑयल ही चाहिए और उसके अलावा हमें चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरह कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं ये रहे टू कैप्सूल्स और हाँ उसके अलावा हमें चाहिए मलमल का कपड़ा अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो आप ये नेट का कपड़ा भी ले सकते हैं मेरे पास भी नेट का ही है नेट का कपड़ा लें उसमें आपने बनाना उसको वो करना मैं अभी आपको रेमेडी पूरी बना के दिखाती हूँ और रेमेडी स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को चाहिए और लास्ट में मैं इनकी लिस्ट भी रख दूँगी ताकि आप लोग स्क्रीन ले सकें सही हो गया हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं आप हमने ये मिक्स कर लिया है सॉरी दरमियान में थोड़ी सी मिस्टेक्स वगैरह हुई मुझसे आ, अभी हमने ये मिक्स कर लिया है और ये देखें एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है और दूसरी बात अगर आप मलमल के कपड़े जिस तरह मुझे आपने देखा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है काम थोड़ा सा मुश्किल काम है कि इसको कपड़े से निकालना अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप इसको ग्रैंड भी कर सकते हैं लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको कपड़े से निकालें उसके अलावा हाँ जी हमारा तैयार हो गया है ये मास्क इसको अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अपने बालों में पहले से ऑयल नहीं लगा हुआ होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गंदे हों क्योंकि जब हम गंदे बालों में कुछ अप्लाई करते हैं तो वो डस्ट अंदर अंदर चली जाती है जिससे हमारे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं इसको आपने अप्लाई करना है अपने बालों पर और जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई हैं बाल फ्रीजिंग हैं वो इनको स्कैल्प से अप्लाई करें अदरवाइज जिनको ऑयली मतलब इचनेस होती है जिस ऑयल से तो वो इनको स्केल्प में अप्लाई नहीं करेंगे वो अपने बालों के लेंथ में इसको अप्लाई करेंगे अप्लाई करने के बाद इसको दो घंटे लगा रहने देने उसके बाद नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करना है वॉश करने के बाद आपने इसको शैम्पू से वॉश करना है और एक टिप और मैं आपको यहाँ पर देती चलूँ वो ये कि शैम्पू कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना आपने अपने बालों में क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बालों को डैमेज कर देते हैं इस वजह से आपने हमेशा शैम्पू को पानी में मिक्स करके फिर अप्लाई करना है उसको अप्लाई करने के बाद सर हो गया धुल गया ठीक है बाल वॉश हो गए अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना इनको और ब्लू ड्रायर यूज़ नहीं करना अपने बालों में ब्लू ड्रायर स्ट्रेटनर बहुत कम से कम इस्तेमाल करें सही है आप ये मास्क अप्लाई करें अपने बालों में हफ्ते में ज़रूर एक बार अप्लाई करें और इसको रूटीन में शामिल कर लें इन आप लोगों के बाल बहुत स्ट्रेट सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो प्लीज़ इसको अप्लाई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने अप्लाई किया है या नहीं किया और एक और रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो कि हर किसी की होती है रिक्वेस्ट ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में ओके अल्लाह ब